सब नू ग्लोबल फाउंडेशन मिडास ग्लोबल फाउंडेशन की जो भी टीम आई है साढ़े पिंड असी सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल कहने उन्हों का धन्यवाद करते हैं जिन्हां ने इस एरिए समस्यावां सुनने वास्ते किसानों दी समस्यावां सुनने वास्ते एक बीड़ा चुकिया। इन्हों का टारगेट है भी रसायणिक खेती हटा के एक आम नॉर्मल जिवें आपां पिंडां दे विच कह दिंदे आ देसी खाद पा के खेती की जाए बहुत ही वधिया उपराला है। रसायणिक खेती ने साढ़े हर एक परिवार के दवाई बूटी है जिहड़ी शुरू करती जिवें कि यूरिया का किसान झाड़ लैण वास्ते वध तों वध प्रयोग करता है उही यूरिया साढ़े गोड्यां दे विच आ गई जिहदे नाल साढ़े गोडे दुखदे है स्किन दीआं प्रॉब्लम्स हो गईआं। हर एक परिवार के इत्थे पिंडां दे विच आम गोली का नाम कहा जाता है बीज। बीज का मतलब है सिट्रीजन। हर एक घर के सर्वे करोगे सिट्रीजन के दो चार पत्ते है जिहड़े एडवांस के मिल जाएंगे। नरमा बेल्ट होने करके नरमे के उपर भूंडी वगैरह की बीमारी आ जाती है तो जी अक्सरी स्किन दीआं बीमारियां पैदा करती है वह भूंडी वगैरह कोई बीमारी नरमे दी हटाने वास्ते जिहड़े छिड़का किए जाते रसायणिक तो वह साढ़े सेहत साड़ी जिहड़ी सांस सिस्टम है वो बहुत नुकसानदेह ने। साडा जिहड़ा परिवार है हर एक परिवार के मैडिकल खर्चे जिहड़े वध गए है हर एक घर के कोई दो गोलियां खाँदा कोई चार गोलियां खाँदा तो यह मतलब कि साड़ी आमदन भी धक्का है। जो आमदन असी खेती दे विचों कढ़नी सी वो साड़ी मैडिकल वाले पासे जा रही है तो इस एरिए दे विच जिहड़ी पानी की बहुत वड्डी समस्या हैगी। पानी की समस्या होने करके जिहड़े मनुख ने बहुत तंग होंदे एक भाखड़ा नहर है जिहड़ी आउंदी है इत्थे भाखड़ा नहर है जिहड़ी हुण महीने दे विच अठ दिन चलती है तो बाकी दिन वो बंद रहिंदी है। पिंड की जिहड़ी गिणती बहुत वड्डी है आबादी बहुत है वाटर वर्क्स के जिहड़े सोर्स है वो घट है जिवें कि लाइट ना आना तो जिस दिन लाइट नहीं आती तो उस दिन वाटर वर्क्स पानी सप्लाई है जिहड़ी नहीं चलती तो घर भी पानी की सप्लाई की दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह साढ़े जिहड़े बच्चे ने गे उन्होंने पानी की दिक्कत करके अपने वाल है जिहड़े उन्होंने चिट्टे हो रहे हैं मेरे भी सारे वाल चिट्टे ने गे दाढ़ी भी चिट्टी है अक्सर पिंड दे विच वालों की भी बहुत वड्डी समस्या है ये कि चंगा पानी ना होने करके ही है। साढ़े एरिए आम तुम मतलब कि स्किन दीआं समस्यावां ही हैगा सॉफ्ट स्किन ने कित्थों रहना गा तो असी टोटल मिला के ही कहने हैं भी जो पेस्टिसाइड वाली खेती है जे इस तों हट के ऑर्गेनिक खेती वल वध्या जावे तो एक वधिया तरीका है। नौजवान ऑर्गेनिक खेती वल वधना भी चाहते हैं पर उन्हां कोल इन्ने सोर्स नहीं है भी वह ऑर्गेनिक खेती कर चलन जिमें एक सरकार वालों हैल्प दी जाती सी भी बायोगैस प्लांट लाओ पिंडां दे विच बायोगैस के जिहड़े प्लांट लगे भी है जिहड़ी बायोगैस के विच गोहा वगैरह पाया जाता है तो वह बहुत जल्दी गल सड़ जाता है वह रेह है जिहड़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है वह रेह की असीं वरतों भी करते हैं सब्जियां दे विच भी पाउंदे हैं। जे इस तरह के कोई अल्टरनेट दिते जाण बहुत सारे जिमीदार भाईचारियां कोल जिहड़े घर बहुत वड्डे ने खुले ने जां खेतां दे विच घर ने तो सरकार वालों जां किसी संस्था वालों उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए उन्होंने हैल्प देनी चाहिए है भी तुसीं बायोगैस लाओ जिहदे नाल असीं गैस की समस्या का भी हल कर सकते हैं उही गैस बाहर किसी होर एरिए दे विच दित्ती जा सकती है शहरी एरिए दे विच उत्थे जिहड़े सिलेंडर के रेट घट भी सकते हैं जे असीं बायोगैस का प्रयोग करिए तो जिहड़ी रेह उहदे तों मिलेगी सानू वह असीं खेतां दे विच पा सकते हैं वह ते साडा कोई खर्चा भी नहीं हैगा पशु भी साढ़े कोल ने पानी भी साढ़े कोल हैगा उहदा पानी का ते गोहे दे मेल है तो असीं उत्थों आपदा गैस का पैसा भी जिहड़ा बचा सकते हैं तो रेह भी तैयार कर सकते हैं। पर जेकर गौरमेंट इस गल नू मतलब कि आम जरनलाइज कर दिंदी है भी कोई भी बंदा कनैक्शन लवे उहदा 100-200 रुपया महीना जे खर्चा भी रख दिता जाए जिवें गौरमेंट ने बिजली के मीटर लाए है वह आपदी बिजली की कंजप्शन लैंदी है जे सानू गौरमेंट बायोगैस दिंदी है उहदा महीना 100 रुपया किराया लैंदी है सानू चला के दिंदी है तो सानू कोई माड़ा नहीं जिते साडा 800-850 का सिलेंडर लगता है तो सानू 100 रुपया देना कोई नुकसान नहीं हैगा तो बायोगैस नाल साडी रेह तैयार हुंदी है सरकार नू भी आमदन हुंदी है तो खेती भी है जिहड़ी वह रसायणिक तों बच के ऑर्गेनिक हो सकदी। जे कोई सरकार जां कोई NGO जिवें मिडास फाउंडेशन जी कह रहे ने भी असीं बच्चों एज ए गतका
गुरबाणी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जे इस तरह के कोई प्रोग्राम चलन तो यह गल श्योर है भी नौजवान नशे वाले पासे नहीं जाते। एक पढ़िया बच्चा होर है जी, काम वो होर कर रहा है, तो इत्थे साडी जिहड़ी क्वालिटी है यूथ की वो डाउन होंदी है जी। असीं इह गल चाहुंदे हां भी जिहड़े बच्चे नूं कोई ट्रेनिंग दित्ती है वह इहो जिही ट्रेनिंग दित्ती जाए भी वह आपका कारोबार भी तोर सके, तो उस एर फील्ड दे विच वो एक चंगा रिसर्च करके वो जो परिणाम वो वधिया आ सकदा। मेन समस्या मैं इत्थे जी इस टाइम पानी की समस्या होगी, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, कैंसर समस्या होगी। अजक कैंसर है जिहड़ा आल ओवर इंडिया के बहुत वड्डी समस्या है जी। इस ते जिवें हुण मैडम हरसिमरत जी बादल सरकार वेले एक इत्थे एम्स हॉस्पिटल है बठिंडा विखे खोलिया गया जी, तो उहदा भी लोग बहुत फायदा उठा रहे, हजे वह प्रॉपर तरीके नाल नहीं चलेगा। असीं सरकार नूं बेनती करते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके नाल चलाया जाए। मैं भी उत्थों मेरी मासी जी की एक मैडिसन चला रहा, बहुत घट खर्चा उत्थे, मैडिकल खर्चा ही हुंदा गा मैडिसन का, बाकी डॉक्टर की देख रेख की जिहड़ी 10 रुपए की पर्ची है, जिहड़े टैस्ट ने गे जिहड़े इत्थे प्राइवेट हॉस्पिटलों के वध तो बहुत महंगे टैस्ट ने गे, उत्थे नॉर्मल रूटीन नॉर्मल पैसों के टैसट हो रहे हैं। गवर्नमेंट नूं असीं बेनती करते हैं भी उन्हें बहुत वड्डे हाई लैवल से जल्दी तो जल्दी तैयार किया जाए। इस एरिए जो भी बीमारियां आ रही हैं उन्हां तो लोग सचेत हो चुकन। मेरे मासी जी है उन्हां नूं मोडुलर गुआटर नाम की बीमारी आई है, जिहड़ा कि गल है उन्हां दा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, उन्हां दा जिहड़ा मूँह है जी बहुत घट खुलदा है, उन्हां दे इस एरिए दे विच जिहड़ी पस बन चुकी है, तो यह एक नवी बीमारी क्रिएट होगी मोडुलर गुआटर। हो सकता है भी वह डॉक्टरी भाषा के मतलब कि नाम है ये, तो वह जे असी उसकी गौर ना करते एम्स के ना ले जाते जो टैसट वगैरह, मेरा मित्र डॉक्टर है उन्हें मैं सलाह दी भी तुम ये बहुत वधिया ट्रीटमेंट कराओ, नहीं खतरनाक है जी पस बनी हुई है, तो वह शरीर दिया माउथ दिया जिन्हिया भी हड्डिया उन्होंने उन्हें खाना शुरू करता सी, देखो भी जे किसी ढांचे दिया हड्डिया ही खत्म हो जाए तो ढांचे में चलना बहुत मुश्किल है। इस तरह दिया बीमारियां जिहड़ियां आ रही हैं, असं उम्मीद करते हैं भी जिहड़ा नौजवान है इस बीमारियों तो बचूगा। सरकार वाले भी असं अपील करते हैं कि तलवंडी साहब वो एक बहुत बड़ा हस्पताल है, उत्थे डॉक्टर की बहुत वड्डी शॉर्टेज है, बिल्डिंग की बहुत वड्डी शॉर्टेज है, उन्हां डॉक्टरों नूं पूरियां सहूलतां नहीं मिल रही, वो पूरियां सहूलतां उत्थे मुहैया कराउण तां कि उत्थे जिहड़े पेशेंट जांदे आ उन्हां दा इत्थे तलवंडी साहब दे विच जिहड़ी ट्रीटमेंट हो सकदी उह होवे। नौजवानों नूं प्रॉपर रिफाइनरी दे विच रुजगार दित्ता जावे, साढ़े पिंडां नूं नुकसान हो रहा है तो जॉब है जिहड़े वो बाहरले लोग कर रहे हैं, जे सानूं नुकसान हो रहा है तो असीं चाहुंदे आ उहदियां जिहड़ियां जॉब्स ने वो सानू मिलनिया चाहिए। असं तो इतों तक उम्मीद करते हैं भी इतने गैस भी बनती है, तेल भी बनता है, तो एक जॉब एक हर एक किसान ये 50 लीटर डीजल देन जी, 10 लीटर 20 लीटर पेट्रोल देन, एक गैस सिलेंडर है जो देन, जेडे एरिए इफेक्ट हो रहा है उन्होंने रिफाइनरी वालों मदद दी जानी चाहिए है। हर एक किसान 50 लीटर डीजल 20-30 लीटर पेट्रोल प्लस एक गैस सिलेंडर हर एक महीने का जिन्हें भी पिंड अफेक्टड ने उन्होंने जी फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, क्योंकि जो ये वालों बीमारियां पैदा की जा रही हैं वो भी असी झल रहे हैं, उन्होंने मेडिकल जो खर्चा है वह असी उठ रहे हैं, तो जी आमदन है वो सारी जी रिफाइनरी हो रही है। असं उम्मीद करते हैं भी ग्लोबल मिडाज फाउंडेशन प्लस रिफाइनरी तो गौरमेंट इन गलों वाल ध्यान देंदे हुए किसानों मदद देन भी उन्होंने ऑर्गेनिक खेती वाल लैके आन, उन्होंने सोर्स पैदा कर, जिमें गंडोया की खाद के प्लाट देन तो वो जी खाद बनती है उत्थे कोई जॉब देन, जो बच्चे बेरोजगार ने गे उन्होंने खाद करने लई ट्रेनिंग देन, वो जी खाद बेचन किसानों थोड़ी बहुत आपकी आमदन कर, सरकार वो प्लाट के कोई थोड़ी बहुत आमदन भी कर सकती है, किसानों जी सस्ती ऑर्गेनिक खाद मिल सकती है जिदे नाल फसल वधिया हो सकती है तो बीमारियों तो भी बचा जा सकता। हाँ जी, मेरा नाम बेअंत सिंह, पिंड गैना का वासी हाँ, तो जो समस्या साड़िया सरपंच साहब कुलविंदर सिंह मिस्टर जी ने दसियाँ वो सारिया ने, बाकी इन समस्या बारे मैं भी कुछ जाणू करवाना, जिमें अनअपलाइमेंट स्पोर्टसिप बिल्कुल भी नहीं है पिंड, बल्कि पंजाब भी नहीं है स्पोर्टसिप, तो बाकी जड़िया पानी की प्रॉब्लम है वह भी मेजर प्रॉब्लम है, जिद जो सा पानी है भारा पानी है ड्यू टू कह दें जू डी टू ओ, ठीक है जी, वो की है जो असी जो सा पानी नहरी पानी नहीं आता तो असी भारा पानी पीने जो थड़ा पानी वरतते हैं, वो की है वो डी डी टू ओ की प्रो मात्रा ज्यादा है, जिदे कारण साढ़े जेडे
ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਈ ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਮੀ ਐਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਮ ਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਜੋਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਧੱਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਉਹ 5-4% ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 95% ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਆਉਣੀ ਹੈ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਧੰਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਈ ਇੰਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਐਡ ਕਰਾਤੀ ਡੀ ਪੀ ਐਡ ਕਰਾਤੀ ਐਮ ਪੀ ਐਡ ਕਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨੇ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬੰਬੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਿਆਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਜੀ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਅਨਇੰਪਲਾਈਡ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਕੋਈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲਾਈਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਗਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਗਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੋਟਸਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਕੋਟਨ ਮਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਰੂਮ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਜੀ
कोई बड़ेव्या तो जिमें दाल का घ्यो तैयार होंगे जी, दाल के घ्यो की फैक्टरी इतने लग सकती है जी, रूं की फैक्टरी लग सकती है जी, रूं के छोटे मोटे जोड़े व्यापार है वह किए जा सकते हैं जी, इस तरह दैक्ट्रियां छोटिया मोटिया वो लाइया जा सकती हैं, जिदे नाल बच्चे भी रुजगार के आ सकते हैं, तो सरकार टैक्स के रूप से कमाई भी जाऊगी, तो अनइंपलाइड है जो वह भी खत्म होगा।